नमस्कार, प्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी। हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन फॉर ऑल मॉडर्न अर्बन लाइफ प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोल्ड मेडल मिला है मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ से MBA पास किया 2019 में, उसके लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मेहनत के साथ साथ आपको और सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होती है, ऑलराउंडर होने से सब कुछ होता है। पढ़ाई करनी चाहिए, पर दिन भर पढ़ाई में डूबे ना रहे, ऑलराउंडर बने, सब कुछ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट था तो मैंने सब कुछ में पार्टिसिपेट किया, सारे चीज़ों में, उसी से मैनेजमेंट सीखेंगे आप। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ना करें, सब कुछ करें, उससे ही सब कुछ। अदिति मिश्रा। शोनी कुमारी MBA अदिति मिश्रा। अच्छी बात है, सही नहीं सब पूरा बात सुनने उसका नहीं। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं MBA कर रही थी यहाँ से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से गोल्ड मेडल प्रेसिडेंट के हाथों से मिलकर, और आगे मेरा उद्देश्य है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाकर बहुत अच्छा करूँ देश के लिए। लड़कियों के लिए स्पेशली राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियों और लड़कियाँ ज़्यादा गोल्ड मेडल, बिल्कुल ये बढ़ावा मिलेगा इससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मैं खुद एक बहुत ही बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को आगे पढ़ाया और मेरे पूरे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, सोशल मीडिया हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन भी है, साथ साथ हम लोग इससे अवेयर होते हैं कि हम लोगों को क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल, कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं साथ ही साथ। बिल्कुल, हमारे लिए अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम लोगों को यहाँ पे मिला है तो जो भी इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक जाएगा वो सोशल मीडिया ही पहुँचाएगी। हमने क्योंकि ये 10 साल में पहली बार हो रहा है तो हम काफ़ी ईयर से हमें बताया जा रहा था कि कॉन्वोकेशन होगा, प्रेसिडेंट आएंगे, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। सो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे परमानेंट कैंपस में आए हैं। अभी तक हम ब्रॉम्बे के कैंपस में थे, अभी हम आज अब शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्र जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ब्रॉम्बे क्षेत्र में रहते थे जो कि एकदम ही ग्रामीण क्षेत्र है, सो हमने वहाँ पे भी काफ़ी काम किया, उन्नयन स्टार्ट किया जिसके थ्रू हम बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे भी हमने कई सारे वर्कशॉप्स किए, नुक्कड़ नाटक करते हैं क्योंकि हम मास मीडिया मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से भी थे, तो हमने काफ़ी अपने स्तर से हमने करने की कोशिश की। हमारे VC सर और जो पूरी फैकल्टी है वो भी काफ़ी इसमें हमें हेल्प करते हैं, ताकि हमारे साथ जो जो पीछे रह गई जो
जो पिछड़ी जाति है या पिछड़े लोग हैं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है उनको भी हेल्प कर सके। मास्कॉम, मास कम्युनिकेशन। स्नातकों, पराय स्नातकों और शोधार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। सभी पदक विजेता विद्यार्थी विशेष प्रशंसा के पात्र हैं, साथ ही शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इस प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की सराहना करता हूँ। सराहना इसलिए करता हूँ, समय तो बहुत लगा, लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। इतने वर्षों बाद यदि प्रथम दीक्षांत समारोह हो रहा है तो मैं उसकी सराहना करता हूँ। विश्वविद्यालय चाहे राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, एक उत्तरदायित्व मिलता है। विद्यार्थियों की अपेक्षा होती है कि शिक्षा प्राप्त करें, उनका सेशन समाप्त हो, एकेडमिक सेशन पूरा हो, परीक्षा फल आए और उसके बाद उनको उपाधियां या डिग्रियां जो भी प्राप्त होती हैं वो मिल सके। एक क्रम चलते रहना चाहिए। लेकिन इसलिए मैं जब मुझे मिले वाइस चांसलर साहब तो मुझे लगा थोड़ा सा कि वाकई में इतने वर्षों क्यों लगे, कुछ बाधाएं रही हैं, कुछ जेन्युइन थी। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि एक बार क्रम शुरू हो गया है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि यदि कभी कभी ट्रेन लेट भी हो जाए, लेकिन जब एक बार ट्रेन चल देती है तो उम्मीद करते हैं कि वो हर स्टेशन पर समय से ही पहुंचेगी। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में ये क्रम जो है वो प्रत्येक वर्ष निरंतर चलता रहे और समयावधि के अंदर चले। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।